माननीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी, एआईसीसी के सभी सम्मानित सदस्यगण, पीसीसी के सभी सम्मानित delegates, guests of the diplomatic corps, and distinguished leaders of parties of many foreign countries, yahan upasthit sabhi sammanit vishesh atithigan. मैं समझती हूँ इस महाअधिवेशन का यह प्रस्ताव जो मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी है और हम सबकी भावनाओं से हृदय की गहराइयों से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी है. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह 84वां अधिवेशन हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी के उत्कृष्ट योगदान को स्मरण करता है. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में हमारे शानदार इतिहास के बेहद चुनौतीपूर्ण और कठिन समय में पार्टी का कुशलता से संचालन किया. श्रीमती सोनिया गांधी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व संभालने के लिए ऐसे वक्त में अनुरोध किया गया जब यह पार्टी आत्मविश्वास, साख और नेतृत्व के संकट का सामना कर रही थी. कांग्रेस के वैचारिक विरोधी राजनीतिक संवाद पर हावी हो रहे थे और सतही तथा विभाजनकारी ताकतें राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की कोशिशों में जुटी थी. हमारे विरोधियों ने कांग्रेस की बर्बादी की भविष्यवाणी कर दी थी. श्रीमती सोनिया गांधी ने सारी चुनौतियों को स्वीकार किया और देश भर में कांग्रेस जनों को प्रेरणादायक नेतृत्व प्रदान किया. कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को कायम रखने और समावेशी तथा धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को बनाए और बचाए रखने के लिए पूरी हिम्मत के साथ हर लड़ाई लड़ी. उन्होंने भारत के संविधान की मूल भावना तथा सभी भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने और संरक्षित करने के लिए अटूट संकल्प के साथ हर स्तर पर कांग्रेस जनों का नेतृत्व किया. उन्होंने कांग्रेस को प्रेरित किया और भारत के लोगों का विश्वास और भरोसा वापस लौटाया. कांग्रेस ने 2004 और 2009 में लगातार दो आम चुनावों में नेतृत्व करने और सरकार चलाने का जनादेश हासिल किया. यह अधिवेशन यूपीए सरकार की अग्रणी पहलों की सराहना करता है जिनमें समावेशी विकास, सतत प्रगति और साझा समृद्धि सुनिश्चित की गई. प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ श्रीमती सोनिया गांधी ने पूरे समर्पण और प्रतिबद्धता की भावना से काम किया जिसके चलते भारत सराहनीय उपलब्धियां हासिल करने और नई ऊंचाइयों पर पहुंचने में सक्षम हो सका. गरीबों और कमजोर तबकों के लिए उनकी चिंताओं ने देश में अधिकार क्रांति लाने और वंचित समूहों तथा आम लोगों को सशक्त बनाने में मदद की. कांग्रेस का यह अधिवेशन श्रीमती सोनिया गांधी की निस्वार्थ सेवा के प्रति गहरा आभार प्रकट करता है.
और कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर उनके कुशल नेतृत्व को सलाम करता है। कांग्रेस का इतिहास उनके महान बलिदान और उल्लेखनीय योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेगा, जो आने वाली पीढ़ियों को भी सदा प्रेरित करता रहेगा। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित कांग्रेस सदस्यों से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे हाथ उठाकर इस कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव को पारित करेंगे। धन्यवाद।